हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? और हो रही है दोपहर, बज रहा है एक। मैं बना रही हूँ अपने और दीपांशु के लिए लंच। तो बनाए हैं मैंने पराठे। सब्जी कोई नहीं थी तो सोचा अचार के साथ हम पराठा और चाय ले लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। कैसे तो फ्रेंड्स, मैंने रख लिए हैं दो दो पराठे अचार, और चाय मैंने तो ले ली है, पर दीपांशु बोल रहा है कि बाद में देना। तो अभी तवा गरम है, इसी के ऊपर मैंने रख दिया है ताकि चाय थोड़ी बहुत गरम रहे। तो चलिए उसको दे देते हैं पहले, फिर अपनी प्लेट लेके जाते हैं। आज बार बार हिचकी क्यों आ रही है और क्या हुआ है? दोबारा आ गई थी वो भी हिचकी। मैं इसी में ऐड कर दूंगी हिचकी की वीडियो, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है वो। तो अब तो याद रहता है कि जब भी हिचकी आनी है तभी कैमरा ऑन करो और हिचकी की वीडियो ले लो। पर उसके लिए मैं ये नहीं देखती कि हाँ अच्छे से मेकअप करके तैयार हो जाओ देन उसके बाद लो। भाई, हम जैसे बैठे हैं या काम कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हिचकी आ गई तो उसी टाइम वीडियो बना लो, है ना? नहीं तो जब तक हम रेडी होएंगे तब तक तो हिचकी ख़त्म हो जाएगी, फिर तो क्या वीडियो बनेगी, है ना? तो हाँ, कुछ नहीं, चलिए ब्रेकफास्ट, सॉरी मैं लंच कर लेती हूँ। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 1:30 बज रहा है वो देखिए। तो बस कर लेती हूँ लंच, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और सुबह की शुरुआत मैगी के साथ। तो यहाँ बन रही है मैगी, और यहाँ के हैं ये दो अंडे। इसके दीपांशु स्कूल जाएगा आज से, तो अंडे की भुर्जी बना रही, क्योंकि घर में कोई सब्जी है नहीं है, ये बस ये दो अंडे रखे हुए थे। तो बोल रहा है भुर्जी बना देना, मैं यही लेके चला जाऊँगा। और ये मैगी बन रही है बड़े बेटे के लिए, वो आया है अभी ऑफिस से, तो उसके लिए बन रही है, वो खाएगा। चलिए मिलती हूँ मैगी बना के मैं आपसे। फ्रेंड्स, ये रखे हैं कपड़े जोड़ने वाले, बस इन्हें जोड़ के रख दूँगी। और दीपांशु बैठा है, गेम खेल रहा है। फ्रेंड्स, अंडे की भुर्जी मैंने बना दी है, और यहाँ मैं तवा लगा लिया है, और यहाँ बना रही हूँ दीपांशु के लिए लंच, वो स्कूल में लेके जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रोटी हो गई है तैयार दीपांशु के लिए, और वो लेके जाएगा स्कूल में। चलो लंच पैक कर देते हैं उसका। मुझे हो रहा है कोल्ड बहुत बुरी तरीके का, और अभी मैंने अपने दूसरे दांत का ट्रीटमेंट करवाया है, उसकी दवाई चल रही है, तो फिर मैंने अभी कोई दवाई ली नहीं। के वाटर बॉटल, इसको भी धो लेते हैं, इतने दिनों से रखी हुई थी। ये गली में कौन आ गया, कोई ना कोई आता ही रहता है। चेन ठीक कराने वाला आ गया। अभी तो जून का महीना ही चल रहा है, तो स्कूल खुल गए हैं, गर्मी इतनी हो रखी है बाहर।
भेजना तो पड़ेगा ही, पर बॉटल मैंने धो दी अच्छे से। और अभी तो जून ही ख़त्म नहीं हुआ, स्कूल खुल चुके हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है। बीच में तो चलो बारिश हुई थी तो मौसम ठीक हो गया था, पर अभी तो फिर से गर्मी पड़ी हुई है, क्या करें। दीपांशु का वैसे आफ्टरनून का स्कूल है, तो स्कूल बस जो प्राइवेट जाती हैं उनसे पूछा था कि चलो अब इतनी गर्मी में फिर मैं भी जाऊँ, और दीपांशु ने तो जाना ही है स्कूल। तो बस वाले भी 4-5 दिन, मतलब 8-10 दिन इस महीने स्कूल जाना है, तो उसके भी वो पूरे पैसे मांग रहे हैं पूरे मंथ के। तो मेरे हस्बैंड बोले कि 1 तारीख तक हम लोग जैसे तैसे कर लेते हैं और 1 तारीख से लगवा लेंगे, ये 8-10 दिन जो हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल उसका भाई जाएगा उसको छोड़ने, और वही रूटीन शुरू हो गया दीपांशु के स्कूल जाने का, उसके भाई के छोड़ने का। हाँ, जब बस लग जाएगी तो मैं उसको छोड़ने जाऊँगी बस तक, जहाँ जहाँ से उसको बस पकड़नी होगी स्कूल की, वहाँ तक मैं छोड़ने जाऊँगी। पर अभी फ़िलहाल उसका भाई छोड़ के आएगा, और उसका वाटर बॉटल, अभी उसका लंच पैक हो गया है, वो नहाने गया हुआ है, और अब मैं उसकी ड्रेस प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से ऐसी रखी हुई थी कि चलो जब जाना होगा उसी दिन कर लेंगे। अभी करके रख लेती तो इतने दिन में वो फिर वैसी हो जाती। तो चलिए उसकी ड्रेस हम प्रेस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दीपांशु की ड्रेस तो हो गई प्रेस, बस जाएगा अपनी एक बुक ढूंढ रहा है, उसको बुक नहीं होगी तो मैं उसकी बुक ढूंढ के देती हूँ उसको। बाय दिशु। किचड़ वाले मैर कौन लेके आया है, मिट्टी मिट्टी कर दी इधर। हाँ ठीक है ना, मैं बंद कर लूँगी अपने। तो बाइक पे कपड़ा नहीं मारता, कपड़ा नहीं मारा बाइक पे, बस मोड़ के ला रहा है, आगे काम चल रहा है गली में। बाय दिशु। शाम के बज गए हैं 4, और मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी। बेटा मांग रहा है, ऑफिस जाएगा वो, उसको मैं उठाया तो बोल रहा कॉफ़ी है तो बना दो, उसको बस निकलना है। और मैं चीनी निकाल रही हूँ क्योंकि डब्बे में ख़त्म हो चुकी है, तो चलिए मैं इन दोनों डब्बों को भर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ बेटे के लिए, फिर वो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, चीनी मैंने भर दी है, तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी, और इसमें चीनी ख़त्म हो गई है, और ये लौंग अभी रख लूँगी फिर काम आएगी, इसमें से निकली है। तो चलिए इससे पहले कि कॉफ़ी ठंडी हो जाए कॉफ़ी पी ली जाए। और मुझे ना जुकाम हो रखा है, पता नहीं दिमाग ख़राब कर रखा जुकाम ने। और यहाँ पे मैंने ये कपड़े जोड़ लिए हैं, बस अभी मैं रख दूँगी, तह लगा दिए हैं, ये प्रेस वाले कपड़े प्रेस में बांध दूँगी। तो चलिए मैं सामान वगैरह, सॉरी ये कपड़े कपड़े रख लेती हूँ, फिर आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ हो रही है डिनर बनाने की तैयारी। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैंने सोचा दाल चावल ही बना ली जाए। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।